It डजेंट मैटर आप इंडिया की बेस्ट कोचिंग चले जाओ कोई भी कोचिंग वाला आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपकी एसएसबी क्लियर करवा दूंगा बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको एसएसबी क्लियर करनी है तो यू विल हैव टू वर्क योर अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा ये हैबिट्स इनकलकेट करनी पड़ेंगी तभी जाकर आप एस क्लियर कर सकते हो जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल आज की वीडियो एस के बारे में है और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डेवलप एंड इनकलकेट तो आपने जितनी भी वीडियोस एस के बारे में देखी होंगी तो आपने ये चीज़ें बहुत जगह सुनी होंगी कि ऑयल क्यूज़ डेवलप करो ऑयल क्यूज़ सही होती हैं एस में देर आर सिक्सटीन ऑयल क्यूज़ दट आर रिक्वायर्ड इन अ कैंडिडेट टू क्लियर एस आपके अंदर ऑयल क्यूज़ नहीं है इसलिए आप रिजेक्ट हो रहे हो बट हार्डली सम वन टेल्स यू हाउ टू बिल्ड ऑयल क्यूज़ ऑयल क्यूज़ को अपने अंदर इनकलकेट कैसे करना है कौन सी हैबिट्स हैं जिसको प्रैक्टिस करके हम जो है ऑयल क्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट फाइव हैबिट्स दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू To improve your personality and inculcate इनकलकेट cues. Before that, I will suggest you, जो भी मेरी वीडियो ये वाली वीडियो देख रहे हैं please go and watch my another video which is about SSB prep from zero. फ्रॉम ज़ीरो वीडियो मैंने दो महीने पहले अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. सो डोंट फर्गेट टू वॉच दैट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है एंड दोज have वॉचड कैन कंटिन्यू सो सबसे पहली हैबिट जो है इट इज़ जर्नलिंग जर्नलिंग किसे कहते हैं और इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ जर्नलिंग बेसिकली होता ही है डायरी एंट्री जैसी आपने एक चीज़ सुनी होगी सो जर्नलिंग में एक इंसान क्या करता है आप द मोमेंट यू वेकअप इन द मॉर्निंग फाइव टेन मिनट्स में आप फ्रेश होते हो और उसके बाद यू जस्ट सिट डाउन विद अ रिलैक्सड माइंड एंड राइट डाउन थिंग्स दैट यू हैव टू डू ऑन दैट पर्टिकुलर डे तो आप एक टू डू लिस्ट बनाते हो अपने दिन की कि मुझे आज ये ये टास्क अचीव करने हैं बाई द एंड ऑफ द डे और इसको एक रिटर्न फॉर्म में लिखने से क्या होता है कि आपके मसल मेमरी माइंड मेमरी में चला जाता है कि हाँ मुझे आज ये ये टास्क करने हैं तो ये आपको एक मोटिवेशन मोटिवेटर की तरह एक्ट करता है जस्ट बाय राइटिंग डाउन द थिंग्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर ये आपको मोटिवेट करता है थ्रू आउट द डे टू कीप ऑन मूविंग एंड कीप ऑन डूइंग योर टास्क सेकेंड थिंग इज़ इंट्रोस्पेक्शन ये जो दूसरी क्वालिटी है इंट्रोस्पेक्शन ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप कितना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में क्या आप सही ट्रैक पे हैं या नहीं ये आपको एक रियलिटी चेक देती है सो बिफोर गोइंग टू बेड देखो जर्नलिंग जो है वो हो गया द मोमेंट यू वेकअप वो सुबह की एक्सरसाइज होगी एक तरह से कि सुबह उठ कर आपको वो फॉलो करनी है द सेकेंड थिंग इज़ इंट्रोस्पेक्शन ये आपको करनी है रात के टाइम वेन यू गो टू तो बेड वेन यू आर अबाउट टू स्लीप एट दैट टाइम जस्ट टॉक टू योर सेल्फ क्लोज योर आइज़ एंड जस्ट एनालाइज़ योर इंटायर डे कि आज आपने पूरे दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की आज आपसे क्या कोई गलती होगी कहीं पर या आज आपने कहाँ पर अच्छा किया कहाँ पर बुरा किया क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने अंदर जस्ट बाय एनालाइजिंग योर एक्शंस तो ये होता है इंट्रोस्पेक्शन इसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी वीकनेसेस क्या हैं सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और ये चीज़ आपको एस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इंटरव्यू में आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके आंसर कैंडिडेट्स के पास होते नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूँ की वट इज़ वन क्वालिटी ऑफ योर फादर दैट यू डोंट लाइक वॉट इज़ वन क्वालिटी दैट यू वॉन्ट टू इनकलकेट इन योर सेल्फ फ्रॉम योर फ्रेंड विच यू डोंट हैव ऐसे क्वेश्चन के आंसर कैंडिडेट्स के पास होते ही नहीं है बिकॉज वो कभी सोचते ही नहीं है इस तरीके से कि uh, मैं क्या किस एरियाज़ में वीक हूँ क्या मेरा कोई दोस्त इस एरिया में अच्छा है मेरे पेरेंट्स कैसे हैं मेरे भाई बहन कैसे हैं तो ये चीज़ें इंट्रोस्पेक्शन से आप डेवलप कर सकते हो ऑन अ डेली बेसिस एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको डेफिनेटली एक बहुत ही मेजर चेंज दिखाई देगा अपनी पर्सनैलिटी के अंदर मूविंग ऑन टू द थर्ड हैबिट थर्ड हैबिट इज़ प्लेइंग अ स्पोर्ट स्पोर्ट खेलने से दो बेनिफिट्स हैं ऑल्दो यू गेट फिजिकली फिट बीट एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट स्पोर्ट यहाँ पे मैं आउटडोर गेम्स की बात कर रहा हूँ मैंने कह रहा कि आप काउंटर स्ट्राइक आई और पबजी खेलें बिकॉज दैट इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ क्योंकि आपको ट्राई ये करना है कि आप थोड़ा सा स्क्रीन से दूर जाके एक इंटरेक्टिव लाइफ जिए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पिक वन आउटडोर स्पोर्ट एंड प्लेड अगर आप डेली नहीं खेल सकते इट इज़ टोटली फाइन ट्राई टू प्ले थ्री टू टू थ्री टाइम्स अ वीक कोई भी गेम खेलो स्पेशली टीम गेम सो दैट आप ऐसी चीज़ें सीख पाओगे जो आपको एस में अगेन हेल्प करेंगी और लाइफ में भी हेल्प करेंगी इट विल कीप यू मेंटली फिट जब भी आप गेम या स्पोर्ट खेल के आओगे यू विल फील सो फ्रेश एनर्जेटिक रहते हो आपको अच्छा लगता है यू वॉन्ट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव इन लाइफ दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स यू टू ग्रो मूविंग ऑन टू नंबर फोर थिंग दैट इज़ फिजिकल फिटनेस तो ये जो हैबिट है फिजिकल फिटनेस की इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप कोई भी चीज़ लाइफ में करने के लिए एक प्री रिक्वेजेड होता है कि द ह्यूमन बींग दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड बी मेंटली एंड फिजिकली फिट तो अगर आप फिजिकल फिटनेस के लिए अपने दिन का फोर्टी मिनट्स टू वन आवर टाइम देते हो तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिलता है मॉर्निंग में इवनिंग में और लेट एट नाइट इट डजेंट मैटर बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस चाहे वो बेसिक रनिंग पुशअप्स पुलअप्स कुछ भी हो बट यू शुड पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स सो दैट आप फिजिकली फिट रहो तभी तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा और आप बाकी चीज़ें कर पाओगे सपोज आपके एम्स और ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं बट आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है आप फिट नहीं रहते आप मोर ऑफेन यू फॉल सिक तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते बिकॉज इफ़ यू आर नॉट केपेबल टू डू थिंग्स हाउ विल यू डू इट ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ फ़िट द लास्ट हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अबाउट इंक्रीजिंग द सोशल इंटरेक्शन इन योर लाइफ नॉट सोशल मीडियाज इंटरेक्शन बट सोशल इंटरेक्शन इसमें आपको क्या करना है एक टाइम डिसाइड करना है डे में दैट फ्राम फोर पी एम टिल एट पी एम आई विल नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइस इस टाइम में आई विल जस्ट इंटरेक्ट विद माई फैमिली मेम्बर्स और माई फ्रेंड्स एंड इन दिस टाइम यू हैव टू टॉक टू दैम एंड यू नो गो डीप डाउन इन टू देयर लाइफ्स की वॉट इज़ गोइंग ऑन विद दैम वट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग विद दैम क्या उनकी लाइफ अच्छी चल रही है नहीं क्या उनकी लाइफ बुरी चल रही है क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं आईम रियली सॉरी अबाउट द नॉइज इन द बैकग्राउंड देर इज सम कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता हूँ बट आई होप माई वॉइस इज़ क्लियरली ऑडिबल टू यू तो इसमें आपको इंटरेक्ट करना है और लोगों से जानना है जो आपके क्लोज जो लोग हैं उनसे जानना है कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है एंड हाउ आर द डीलिंग विद थिंग्स इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं यू लर्न अ लॉट ऑफ चैलेंजेज दैट अदर पीपल्स अराउंड यू आर फेसिंग फेसिंग एंड ऑल्सो यू गैट टू लर्न की जैसे कई बार होता है कि हमें इंसान को अच्छे से समझने का मौका मिलता है थ्रू दीज हैबिट्स सो आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप ये चीज़ें इंकल्केट करते हो अपने अंदर सो ओवर फॉर अ पीरियड ऑफ टू टू थ्री मंथस अगर आप ये लगातार करते हो आपको एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा इट डजेंट मैटर आप इंडिया की बेस्ट कोचिंग चले जाओ कोई भी कोचिंग वाला आपको यह गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपकी एस एस बी क्लियर करवा दूंगा बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको एस एस बी क्लियर करनी है तो यू विल हैव टू वर्क योर सेल्फ अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा ये हैबिट्स इनकलकेट करनी पड़ेंगी तभी जाके आप एस क्लियर कर सकते हो फिर चाहे आप इंडिया की बेस्ट कोचिंग चले जाओ या वर्ल्ड की बेस्ट कोचिंग चले जाओ जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अगर आप ये चीज़ें करोगे एंड दैट टू ओवर अ पीरियड ऑफ टू थ्री मंथ्स लगातार आप ये चीज़ें करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा एंड ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एस में ही आपको हेल्प करेगी थ्रू आउट योर लाइफ अगर आप ये हैबिट्स इनकलकेट करते हो यू विल डेफिनेटली ग्रो इन लाइफ सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद